हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आपके साथ स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स शेयर करती हूं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ट्रेंडी सलवार का ट्यूटोरियल लेके आई हूं, जिसे हम अफगानी सलवार और बैलून सलवार भी कहते हैं। और ये है इसका मीज़रमेंट जो मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर किया है। तो अब हम इसे कट करना शुरू करते हैं। इस सलवार को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और सबसे पहले हमें इसका जो साइड का बॉर्डर है वो हम पूरा कट कर देंगे। तो मैंने ये बॉर्डर कट कर दिया है, क्योंकि हमें इसे विड्थ वाइज कट करेंगे तो सबसे पहले मैं इसे लेंथ वाइज फोल्ड करूँगी एक, और दूसरा फोल्ड जो है मैं वो विड्थ वाइज करूँगी, और इसे हम सेट करके बिछा लेंगे जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और अगर आप हैवी सलवार बनाना चाहते हैं तो आप 4 मीटर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, 5 भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया है विड्थ वाइज। और अब हम इसकी मार्किंग शुरू करेंगे। मैंने सबसे पहले 29 इंचेस पे मार्क किया है, क्योंकि ये मैंने 29 इंचेस ही विड्थ वाइज रखनी है। और सेम इसी तरह मैंने मार्क लगा लिया है नीचे की तरफ भी, और एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और क्रोच एरिया की काट के लिए मैंने जो है 2.5 इंचेस पे मार्क किया है, और इसकी लेंथ में 8 इंच कट करूँगी, क्योंकि हम 5 इंचेस इसके ऊपर बेल्ट यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए मैंने इसका जो क्रोच एरिया है वो 8 इंचेस मार्क किया है। और अब हम इसे शेप दे देनी है। ये शेप मैंने लगभग 1 इंच के अकॉर्डिंग दी है मैंने। और अब हम इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। सबसे पहले जो हमने इसकी लेयर्स कट करनी है, जिसे हम कलियाँ भी बोलते हैं, वो मैं 27.5 इंचेस कट कर रही हूँ, क्योंकि हम नीचे जो मुहरी लगाएंगे वो हम अलग से लगाएंगे रेडी करके, जो मैंने 2 इंचेस रखनी है। और इसी तरह 27.5 इंचेस पे मार्क लगा के हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। और ये जो इसकी मुहरी हमें रखनी है वो हम 6 इंचेस रेडी करेंगे, तो मैं ये टोटल 20 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ इसकी मुहरी के लिए। जब हम अफगानी सलवार बनाते हैं या बैलून सलवार बनाते हैं तो हमें ये एक्स्ट्रा ही मार्क लगाने हैं। आप चाहे तो और भी ज़्यादा रख सकते हैं इसकी विड्थ। और जो हमने 20 इंचेस पे मार्क लगाया है उसे हमें क्रोच एरिया के साथ मिला देना है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमें बेल्ट भी अटैच करनी है और हम 2 इंच की इसकी मूरी भी रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने सलवार की जो मार्किंग की है, और इसी मार्किंग पे अब हमें इसे कट कर लेना है। और अब हमें कुछ इस तरह से हम इसके बल डालेंगे जब हम स्टिच करेंगे इसे। तो हमने जो है सलवार की लेयर्स दोनों कट कर ली हैं, चारों की चारों। और अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। इसकी बेल्ट जो है मैं 27 इंचेस लॉन्ग कट कर रही हूँ, और विड्थ वाइज मैं 8 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। और अगर आपको कम ज़्यादा बेल्ट रखनी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लेयर्स की मार्किंग करनी होगी सलवार की। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और मुझे सपोर्ट करें। और मुहरी के लिए मैंने 19 इंचेस लॉन्ग और 5 इंचेस विड्थ वाइज फैब्रिक कट किया है। तो अब हम इसे स्टिच करते हैं। मैंने जो है इन्हीं लेयर्स को लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर रख के कट करके इसे अटैच कर लिया है। मैंने इसे पूरी सलवार पर अटैच किया है। और सबसे पहले अब हम इसका क्रोच एरिया ज्वाइन करेंगे। हमें दोनों क्रोच एरिया ज्वाइन कर लेने हैं, स्टिच कर लेने हैं। तो क्रोच एरिया की जो स्टिचिंग हो गई है हमारी, अब हम इसे सेंटर से मिलाते हुए इसका हाफ मार्क कर लेना है। हम कट लगा लेंगे वी शेप में। और अब हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे। और इसकी बेल्ट रेडी करने के लिए हमें दोनों साइड पे सिलाई लगानी है, क्योंकि हम इस पर इलास्टिक लगा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट स्टिच कर लेना है दोनों साइड से।
मैंने और भी बहुत से डिज़ाइंस वीडियो शेयर की हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। और फोल्डिंग के लिए मैं 2.5 इंचेस पे मार्क लगाया है मैंने, और मैंने ऑल अराउंड मार्क लगा लिए हैं। और हम जितना हमें इलास्टिक डालना है उसके अकॉर्डिंग हम इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे, और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे हमारी बेल्ट में। तो अब हमारी बेल्ट भी रेडी हो चुकी है, और जैसे हमने सलवार का सेंटर मार्क किया था हाफ से, वैसे ही हमें इसे भी वी शेप में कट लगा देने हैं दोनों साइड। और अब हम प्लेट्स के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। मैं 4.5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, और अगर आप पतले हैं तो आप 3 इंचेस पे मार्क लगाएं ये वाले, और ये मार्क हमें चारों साइड पे लगाने हैं। ये जो इस पर हम प्लेट्स डालेंगे ये नॉर्मल सलवार की तरह नहीं डलती हैं अफगानी सलवार में, जो कि मोस्टली वीडियोस में दिखाया गया है। इसके जो है डिफरेंट तरीके से आते हैं प्लेट्स, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये बेल्ट जो है वो 26 इंचेस के लिए लगभग रेडी हुई है हमारी, और इसके अकॉर्डिंग ही हमें ये जो बल डाल के हमें 26 इंचेस ही रेडी करना है। तो सबसे पहले जो है हमें प्लेट्स डालनी है जो हमने मार्क लगाया था। मैंने ये जो है 1 इंच की विड्थ लगभग 2 इंचेस इसमें फैब्रिक किया है एक प्लेट में। इसी तरह हमें थोड़ी बड़ी बड़ी प्लेट्स डालनी है 1 इंच के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और जो इसका मैंने जो डिस्टेंस रखा है प्लेट का वो मैं 2.5 इंचेस रख रही हूँ, और ऐसे ही मार्क लगाते हुए हमें 1 इंच की विड्थ वाली प्लेट्स डाल लेनी है। अगर आप हैवी अफगानी सलवार बनाना चाहती हैं तो आप ज़्यादा नज़दीक पल डालें, जैसे मैंने 2.5 इंचेस पे डिस्टेंस रखा है, तो आप 1.5 या 2 पे मार्क लगा सकते हैं। और इसी तरह हमें मार्क लगाते हुए हमारी प्लेट्स को जो हमारा बैक क्रोच एरिया का मार्क है वहाँ तक हमें इसे डाल लेना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है तो हमारी एक साइड की प्लेट्स डल गई हैं, आपको सेम तरीके से ही प्लेट्स डालनी है। यही सही तरीका है अफगानी सलवार बनाने का। और अब हम दूसरी तरफ भी बल डालेंगे। हमें कुछ इस तरह से बल डालने हैं, हमने जैसे इस तरफ से बल डाले थे, हमें अब इन बल का जो प्लेट्स का साइड है वो हमें उसी तरफ रखनी है दूसरी साइड, और सेम वैसे ही 2.5 इंचेस पे मार्क करना है। और 1 इंच की विड्थ वाइज जिसमें 2 इंचेस हमारा फैब्रिक जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें सारे बल डाल लेने हैं। और इसी तरह हमें इसके सारे बल डाल के रेडी कर लेना है। हमने दोनों साइड पे हमारे बल हो गए, और ये कुछ इस तरह से लगेंगे। और अब जो है हम इसकी मूरी के लिए बल डालेंगे। जैसे हमने जिस तरफ हमारे ऊपर की साइड के बल आएंगे, हमें मूरी की साइड भी उसी तरफ ही हमारे जो प्लेट से डालनी है। और इन वाले जो मैंने प्लेट्स डाल रही हूँ वो मैं 1.5 इंच की विड्थ वाइज डाल रही हूँ, क्योंकि बल में मैंने 3 इंचेस कपड़ा दिया है, और जहाँ पे हमारा बल्ब ख़त्म होता है वहाँ पे हमें 3 इंचेस पे मार्क लगाना है। और जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है उसी तरह हमें प्लेट्स डाल लेनी है। हमें जहाँ पे हमारा प्लेट ख़त्म हो रही है वहाँ से 3 इंचेस पे मार्क करना है, और फैब्रिक को उतनी ही विड्थ वाइज प्लेट्स डालनी है। और अब हम ये सारी प्लेट्स रेडी कर लेंगे हमारी मोरी के लिए। और सेम इसी तरह हमें दूसरी मोरी को भी रेडी कर लेना है। ये कुछ इस तरह से लग रही है। मैंने जो सलवार की मोरी दोनों साइड मोरी रेडी कर ली है। और अब हम इस पे बेल्ट अटैच करेंगे। हमें सलवार को भी उल्टा करना है और हमारी बेल्ट को हमें सीधा करना है, और इसी तरह से हमें इसको पिन्स लगा के हम ऑल अराउंड लगा लेंगे इस पे पिन्स, जिसे हम इजीली और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इसे स्टिच कर लेंगे। और अब हम इसे सिलाई लगाकर
बेल्ट को हमारी अफगानी सलवार के साथ अटैच कर लेंगे। ये सलवार आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। और अब हम इसकी जो हमने बेल्ट अटैच की है उसको फिनिशिंग देने के लिए उसके एजेस पे भी सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है और अब हम इसके लिए मूरी रेडी करेंगे। मैंने जो मूरी को पेस्ट कर लिया है, जो मैंने 17 इंचेस लॉन्ग ली है और उसकी 2 इंच मैंने विड्थ ली है, और मैंने जो फैब्रिक कट किए थे उस पर इसे पेस्ट कर लिया है। और अब हम इसका सेंटर जो है मार्क करेंगे, हम वी शेप में कट लगा देंगे। और अभी हम इसे हमारी मूरी के साथ अटैच करेंगे। मैंने मूरी पे भी सेंटर मार्क कर लिया है और इनके सेंटर को मैच करते हुए हमें सिलाई लगानी है। मैंने ये जो फैब्रिक मूरी के लिए कट किया था वो मैंने 18 इंचेस लॉन्ग किया था और मैंने इसकी 5 इंचेस जो विड्थ कट की थी। और अब हम इसे इस तरह से सीधी तरफ टर्न करना है और बहुत ही ध्यान से हमें इसको एजेस पे सिलाई लगाते हुए हमारी सलवार के साथ अटैच कर लेना है। आप चाहे तो अगर आप इसे और भी स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लेस को भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और इसी तरह हमें एंड तक सिलाई लगा देनी है। और नीचे हमें बॉटम में भी एजेस पे ऐसे ही सिलाई लगानी है। और अगर आप इस वीडियो के रिलेटेड मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो और मेरा मेथड कैसा लगा। और मैं इसके ऊपर मशीन के फुट का मार्जिन लेते हुए सिलाइयाँ लगा रही हूँ। और इसी तरह हमें पूरी मूरी पे सिलाइयाँ लगा लेनी है। हमारी जो है मूरी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं हम कितनी अच्छी लग रही है। और इसी तरह मैंने दूसरी मूरी को भी रेडी कर लिया है। आप चाहे तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और अब हम इसकी सेंटर सिलाई लगाएंगे। और जितना आपको मूरी रेडी करनी है उसके अकॉर्डिंग मार्क लगाते हुए और हल्के सी तिरछी शेप देते हुए हमें इसे सिलाई लगानी है। और सेंटर सिलाई लगाते समय फिर सलवार के ऊपर आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये सिलाई बहुत स्ट्रेच करके फैब्रिक को लगानी है। अगर आप नॉर्मल लगाएंगे तो ये सिलाई जो है वो निकल जाती है बाद में। तो इसे लगाने के लिए आपको फैब्रिक को स्ट्रेच करना है अच्छे से और फिर सिलाई लगानी है। और हमारी क्रोचेरी भी सेम आनी चाहिए। अब हमने एक साइड से इसी तरह से सिलाई फिनिश कर लेनी है। और जैसा मैंने इस साइड सिलाई लगाई थी उस साइड भी सिलाई लगा के हमें सलवार को कंप्लीट कर लेना है। तो ये है हमारी अफगानी सलवार की, बैलून सलवार की फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।